लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय जम्बाला, कौन हो तुम लोग? जय सांगा, जय सांगा। हम लोग जंगली जिंगल के जम्बाला कबीले के लोग हैं। हमारे यहाँ भी जम्बाला देवी के बम्बाला का खंडाला हो गया है। नमस्ते जी सरदार। हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि उस जंगल के शेर ने हमारे यहाँ भी बहुत तूफान मचा रखा है। न जाने कितने लोगों को उठा के ले गया है और ना ही जाने कितने ही लोगों को खा गया है। हम उसी का पीछा करते हुए आपके यहाँ पहुंचे हैं। क्या तुम्हारे कबीले को भी जंगल के शेर ने बर्बाद कर दिया? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो उस मकान में छुपा है। अरे वो तो दादा का मकान है, उसमें एक नया आदमी आया। दादा कहता है बहुत भला है, हमारी मदद के लिए। आए गली कच्ची गली का पोहा माला। चोर कभी कहता है कि मैं चोरी करने आया हूँ, डाकू कभी बोलता है कि मैं डाका डालने आया हूँ। कैसे सरदार हो जी? छी छी छी, ये तुम्हारा इलाका है, अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे मैं अभी अपने आदमी लेके आता हूँ। अरे तुम क्या जाओगे, मैं खुद अपने आदमी लेकर जाऊंगा। बांगे पे बांगे। ये क्या सरदार, तुम्हारे आदमियों ने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? ज्यादा होशियारी मत करो, हमें पता चल गया कि तुम ही जंगल के शेर हो जो मेरे आदमियों को पकड़ कर ले जाते रहे। मैं जंगल का शेर नहीं हूँ, मैंने तो जंगल के शेर को पकड़ने के लिए भेज बदला है। चुप चाप सरदार, ही जंगल का शेर ना है और कोई है, मैं ऊका अड्डा अभी देख कर आ रही हूं। सरदार अब तो विश्वास आ गया, बताओ कहाँ है वो? पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर के पास। मैं अभी जाकर उसका खेल खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पास घसीट कर ले आऊंगा। चलो जंगल के नकली शेर, आज तेरा सामना असली शेर से हो रहा है। अभी पता चल जाएगा असली कौन है और नकली कौन। मैं खुद तेरी तलाश में निकला था लेकिन तेरी मौत अपने आप तुझे यहां ले आई है। तो ये समझ रहा था कि ये सारी बर्बादी उस बदमाश कोबरा और हरी ने फैलाई हुई है, इसलिए उनको पकड़ने के लिए मैंने ये भेज बदला। मगर ये क्या, तुम जंगल के शेर हो? हाँ, जंगल के शेर का भेष मैंने ही बदला है। उन लोगों से बदला लेने के लिए
जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा प्यार छीन लिया। वीरू, उन्होंने मेरी मीना को खत्म कर दिया। वीरू, मेरी मीना को खत्म कर दिया। इस बात पे राजू, मैं तुम्हें दो खुशखबरी सुनाता हूं। दो खुशखबरी? हाँ, पहली खुशखबरी ये कि मीना जिंदा है। क्या? मीना? मीना जिंदा है? और दूसरी ये कि मीना मेरी बहन है। क्या? मीना? हाँ राजू, कोबरा और उसके आदमियों ने हमारे बचपन में ही पिताजी को जान से मार डाला, मुझे मेरे खानदान से अलग कर दिया, और अब मेरी माँ उनकी कैद में है। इसलिए उनको तलाश करके उनको खत्म करने का बीड़ा मैंने उठा लिया है। तूने ठीक किया है। यह खबर सुनाकर वीरू, तूने मेरे दिल में फिर जीने की तमन्ना पैदा कर दी। तू अकेला नहीं है, राजू अभी जिंदा है। हम दोनों मिलकर उनके तमाम प्लान फेल कर देंगे और उनका खात्मा कर देंगे। दो दो जंगल के शेर देखकर वो लोग गीदड़ों की तरफ भागते फिरेंगे और हम लोग एक एक करके उनको खत्म करते जाएंगे। चलो। क्या बात है सरदार? हमें तुम्हारी चालाकी का पता चल गया है। चालाकी? कैसी चालाकी? हमको बोल कर गए थे कि जंगल के शेर का खात्मा करेगा, उल्टा उसके साथ मिलकर दोस्ती करके आया है। अब तो दो दो जंगल के शेर हमारे लोगों को गायब करेंगे। सरदार, इस वक्त हम जल्दी में हैं, हमें जाने दो। तुम्हारे सवाल का जवाब हम बाद में जरूर देंगे। खामोश! हमारा देवा इस बात का फैसला करेगा असली जंगल का शेर कौन है। ले चलो। मीना, 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 मीना। दादा, कहीं कोबरा के आदमी मीना को उठाकर तो नहीं ले गए? रानी, बताओ मीना कहाँ है? क्या हुआ? अरे बोलना, बोलना रानी, क्या? मीना को उन्होंने कहाँ बंद किया? तूने अपने आंखों से देखा? तो सुन, मीना को बचाने के लिए हम दोनों भेष बदलते हैं, ठीक है? रानी, जल्दी चल। दादा, उतर जाओ। रानी, खिड़की से देखो अंदर कौन कौन है। चलो। रानी, केली खा ले और छिलके उधर फेंक दे। कौन है? बाहर जाके देख। क्या हुआ? मैं देखता हूं। अंदर चलते हैं। चुपचाप। जॉनी डार्लिंग, गिव मी अ गुड पुश। गो। मेरा पुट 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 पुट। वाह जॉनी, वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह वाह। मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? एक जंगल के अफसर, तुम कहां से? ऊपर से ही, नीचे से? अच्छा 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 अच्छा, यहां नहीं। किधर किधर किधर? ओ फैंटास्टिक। अच्छा अच्छा अच्छा, आजा रे आजा रे आजा रे। अच्छा अच्छा, कहां से आई हो ये तो बताओ। मैं नस्ती के कबीले की लड़की हूँ। मैंने कई दफा तुम्हें चार पहियों की गाड़ी पे आते जाते देखा है। और क्या कहूँ, अपने दिल का हर कैसे बताऊँ? अब मैं क्या करूँ, आसमान पर चांद और सितारों की मुझ पर नजर है और जमीन पर खूबसूरत खूबसूरत अप्सराओं की। अब
साला जाने, अपना ड्यूटी भूल गया क्या? खूबसूरत लौंडिया देखते नाचने लगा है। चल अब उनका दारू खत्म हो गया, बाटली लेकर आ। ये क्या करता तू? ए, तेरी जात का भेजा मारू, अपन का मजाक उड़ाता है क्या? ए साला, तू अपन का जानी है कि और कोई है? रानी, बहुत अच्छा काम किया, चाबी दे, तू उधर जा। मीना, शालू। ये देखो, इन गधे के बच्चों को रखवाली के लिए छोड़ा था, ये हाल है इनका। जी लगता है सालों ने ज्यादा पी लिया जी। हैं? हट। अच्छा तुम चलो। चल। ये देखो, ये जानी नंगा पड़ा, इसने भी पी लिया क्या? लेकिन ये जानी के ऊपर घगरा चोली कहाँ से आई? कोबरा जी, मुझे तो गड़बड़ लगती है, जल्दी अंदर चलिए जी, कहीं जानी जी की तरह अपने नागू जी भी नंगे नहीं पड़े हो जी। हाँ चलिए। जॉनी, क्या कह रही हो शालू? वीरू मेरा बेटा है, बाद में सब कुछ बताऊंगी, पहले यहाँ से निकलो। चल कबीले की लौंडिया, मुझे धोखा देकर इनको छुड़वाने आई थी। ए, क्या है? डैडी डैडी, ये जो कबीले की लौंडिया है ना, मुझको धोखा देकर इनको यहाँ से छुड़वाने आई थी, लेकिन मेरे दिमाग की दाद दीजिए कि मैंने इसको पकड़ लिया। अरे जॉनी जी तो बाहर नंगे पड़े, फिर ये कौन है जी? ये इसके हाथ में क्या है? रानी भाग जाओ। हाय रानी, ये तो जॉनी जी नहीं है जी, ये तो कोई नकली जी है जी। रानी जी जल्दी भाग जाओ। रानी, ये कहीं हमारे रास तो नहीं लेके भाग रही? नगो पकड़ लेते। रानी जल्दी आओ, जल्दी आओ, डर जाओ। छोकरी, तो ही उस पुलिस ऑफिसर के साथ आई थी? एक लड़की होकर हम जैसे खतरनाक मुजरिमों के साथ टक्कर लेने आई है? एक औरत को धोखा देने वाले नीच इंसान से बदला लेने आई हूँ। क्या बक रही है? इसने मेरी माँ को धोखा दिया, उसके साथ बेवफाई की, मेरी माँ ने जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मैं अपने जन्म देने वाले की मौत का कारण बनकर यहाँ आई हूँ। इसका मतलब है कि तुम गंगा की बेटी हो? हाँ। वो जंगल के दोनों शेर मिलकर एक हो गए हैं, और ये वीरू की माँ है, ये बीना उसकी बहन है, और वो दोनों शेर हम लोगों को खत्म करने के लिए इधर ही आ रहे हैं। क्या मुसीबत है, एक तरफ बंदरों की गड़बड़, ऊपर से लड़कियों की गड़बड़, फिर जंगल के शेरों की गड़बड़। भाई साहब, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँचे, हमको ये सब कुछ समेट के यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इतने सारे झमेले को कैसे ले जाएंगे जी? चेक पोस्ट में पकड़ लेंगे जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़े जाएंगे। इसके लिए भी हमने एक मास्टर प्लान सोच लिया है। सब भेस बदल डालो और एक सर्कस का कारवां बना के निकलो, और सर्कस पे लिख दो कोबरा सर्कस। बताओ, तुम दोनों में से असली जंगल का शेर कौन है? मेरा विश्वास करो सरदार, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ। झूठ बोलता है, पहले भी एक आदमी आया था, वो कहते थे बाको सरकार ने भेजा जंगल का शेर पकड़ने के लिए। ज्यादा होशियार मत बनो, और दोनों जल्दी बताओ कि तुम में से असली जंगल का शेर कौन है। एक को छोड़ दूंगा, नहीं बताओगे तो तुम दोनों मारे जाओगे। तुम दोनों का सर काट कर मैं अपने देवा के बलि चढ़ा दूंगा, समझे? सरदार तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हम उन लोगों को खत्म करने आए हैं जिन्होंने ये तबाही मचाई है, हमें जाने दो वरना पछताओगे तुम। बंद करो ये बकवास, कोई सच नहीं बताता, समय बीता जा रहा है, चलो देवा के सामने अग्नि जलाओ और इन दोनों के सर को काट कर इनके खून से देवा के माथे पर टीका लगा दो। मैं बताता हूं, दरअसल जंगल का शेर मैं हूं। क्या बकवास कर रहे हो? सरदार, मैंने तुम्हारी बस्ती उजाड़ी है, मैंने बेगुनाहों का खून बहाया है, मैं हूं वो कातिल, मेरी बलि चढ़ा दो। देवा तेरा भला करे,
तू मरेगा तो देवा तेरे सारे पाप माफ कर देगा। अब तू सीधा स्वर्ग लोक में जाएगा। चलो रब बलि की तैयारी करो। ये क्या कर दिया तूने? राजू, तकलीफों और मुसीबतों ने इन लोगों को पागल बना दिया। हम लाख सफाई पेश करें, लाख मनाएं, ये लोग नहीं मानेंगे और हम दोनों का खून कर देंगे। हम दोनों का खून क्यों बहे? क्यों ना एक का खून बहे? वीरू, तो मेरा खून बह जाने दिया होता। तुम्हारा खून कैसे बह जाने दूं राजू? जिंदगी भर तुमने अपना खून जलाया, पसीना बहाया, किसके लिए? मेरे लिए। और आज अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा खून बहा दूं? नहीं राजू, नहीं। जिंदगी भर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। कम से कम आज अपनी जान देकर तुम्हारी जिंदगी तो बचा सकूंगा। वीरू, तू समझता क्यों नहीं रे? मेरी जिंदगी की किसको जरूरत है? तेरी जिंदगी कीमती है। तेरी इस देश को जरूरत है, इस समाज को तेरी जरूरत है। लेकिन तुम्हारी जरूरत मीना को है, जिसे मैंने वादा किया था कि तुम्हें उसे जरूर मिलाऊंगा। माँ दुश्मनों की कैद में है, जिसे छुड़ाकर तुम बेटे का प्यार दे सकते हो। तुम पर बहुत जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं भैया, बहुत जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं। नहीं वीरो, नहीं। राजू, मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, अगर मेरी तकदीर में दूसरा जन्म है तो उस जन्म की तकदीर में भी मुझे तुझ जैसा ही जानी दोस्त मिले। दादा, ये क्यों हो गया आपको? वीरू, दादा, 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 तुम्हारी मौत। दादा, दादा, ये किसने किया? क्या हुआ? कोबरा कैद में है। दादा, दादा, शुक्रिया रानी। देखा सरदार, तुम्हारे कबीले के लोगों को कोबरा ने कैद कर रखा है और तुम समझ जाते कि हमने गायब। वीरो, ये बहस का वक्त नहीं है, फौरन कोबरा की तलाश करनी चाहिए। चलो चलो रानी। भाई साहब, जंगली हाथियों ने रास्ता रोक लिया है। जिंदगी में जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो हाथियों को बिच्छुओं की तरह रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। गोलियां चलाओ, मार डालो इन्हें। बुजदिल जो अपना चेहरा छुपाकर हमारी बंदूकें छीनता है, कौन है वो? अगर मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ। अबे सामने आओ। मर्द के बच्चे तुम्हारे सामने हैं। हम बुजदिल नहीं, हम जंगल के वो शेर हैं जो तुम सबकी मौत का परवाना लेकर आए हैं। भेष बदलकर चुपके से खिसकने वाले कुत्तों, तुमसे आखिरी फैसला करने के लिए हम लोग सर पर कफन बांधकर घर से निकले। ठहरो, मुझे पहले ही मालूम था कि नकली शेर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, इसीलिए मैं उस रुकावट का तोड़ साथ लेकर निकला हूं। देखो, मां। वीरू, पहचानते हो ना, ये तुम्हारी माँ है और ये जिस पिंजरे में कैद है उसमें बम लगा हुआ है और उसका बटन यहाँ मेरे पास है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं वो बटन दबा दूंगा और तुम्हारी माँ एक सेकंड में जलकर राख का ढेर बन जाएगी। राजू, ये चाकू तुम्हारी महबूबा मीना की खूबसूरत शक्ल उसके हसीन जिस्म से एक ही वार में अलग कर देगा। और वीरू, मेरा ये चाकू तुम्हारी माशूका शालू को आलू की तरह छील डालेगा। शालू? तो समझ गए मेरे जंगल के शेरों, मौत सर पर शिकार करने के लिए खड़ी है। चुपचाप अपने हाथियों से कह दो कि वापस चले जाएं और तुम भी चले जाओ, वरना एक ही झटके में तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दूंगा।
वीरू, हटा दो इन्हें। लक्ष्मी हट जाओ। लो हट गए हाथी, तुम्हारे जाने के लिए रास्ता साफ है। अब इसके बदले हमें हमारी मां और इन लड़कियों को वापस कर दो, वरना हम तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देंगे। बेवकूफों, शेर नाम रखने से अपने आप को वाकई जंगल का शेर समझने लग गए? अपनी चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, हमारे साथ जानवरों और आदमियों की फौज है। अगर इन्होंने हमला कर दिया ना, एक मिनट में तुम्हारा नाम और निशान मिटा के रख देंगे। अबे जलील कमीनों, देश के गद्दारों, मासूमों को नोच नोच कर अपना पेट भरने वालों, तुम इंसान के भेष में वो कुत्ते हो जो मौका मिलने पर अपनी सगी माँ की हड्डियां चबा चबा कर खा जाए। मैं तुम्हें ये सब गालियां देना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन वीरू तुम्हें गालियां नहीं देगा, क्योंकि बेचारे की माँ जो तुम्हारे कब्जे में है, कुत्ते की तरह भौंकने वाले डरपोक, तू किसी इंसान की औलाद नहीं बल्कि किसी घिनौने जानवर की लाश है, जिसकी रगों में अपने बाप का खून नहीं दौड़ रहा बल्कि गरीबों का चूसा हुआ खून दौड़ रहा है। सुअर के बच्चों, मैं तुम्हें ये सब गालियां देना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन राजू तुम्हें ये गालियां नहीं देगा, क्योंकि बेचारे की मंगेतर तुम्हारे कब्जे में है ना। उल्लू के पट्टे गधे, गालियां भी बकते जा रहे हैं, साथ साथ बोलते जा रहे हैं गालियां नहीं देंगे। उसकी माँ कब्जे में, उसकी माशू का कब्जे में है। तुम लोग हटते हो या बटन दबाकर बम से तुम्हारी माँ को उड़ा दूँ। इस दुनिया में रावण ने जब भी राम और लक्ष्मण को फंसाने की कोशिश की है तो हनुमान ने उसकी चालों के वायर काट दिए। करेक्ट, अगर यकीन नहीं आता तो बटन दबाकर देख लो। अच्छा तो देखो। बंदर की औलाद तूने काटा। शेर को खाने फेंक दो। बुढ़िया के पिंजरे को अपने ट्रक से बांध दो। Yeah.
माँ वीरू वो देखो। अरे माफ करो रानी जी, गलती से मैं विलन के ग्रुप में फंस गया था, मुझे हीरो बनना।